बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। एक बार एक कक्षा में एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा अच्छा सा होनहार लड़का था, पहले बेंच में बैठने वाला, अक्सर थोड़ा होशियार ही था। तो शिक्षक ने उस लड़के को उठाया और पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब और दे दिया जाए तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। लड़के ने कहा चार। शिक्षक को लगा कि मेरी बात समझ नहीं आई होगी, उसने दोबारा पूछा कि मैं तुम्हें एक फल दे देता हूं, एक सेब दे देता हूं, और तुम्हारे पास बैठे हुए तुम्हारे अगल बगल के दो लड़के वे भी तुमको एक एक सेब दे देते हैं, तो तुम्हारे पास कितना सेब होगा। उसने कहा चार। शिक्षक सोचा कि लगता है इसको समझ नहीं आ रहा है, दूसरे ढंग से समझाना चाहिए। उसने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त तुमको एक एक संतरा दिए और फिर मैंने भी एक संतरा दे दिया तो तुम्हारे पास कितने होंगे। उसने कहा तीन। शिक्षक खुश हुआ कि समझ गया बच्चा, मेरा काम सफल हो गया। लेकिन उसने सोचा कि परीक्षा लिया जाए, फिर पूछा कि तुम्हारे पास तुमको मैं एक सेब देता हूं और तुम्हारे पास बैठे हुए दो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो लोग भी तुमको एक एक सेब देते हैं तो तुम्हारे पास कितना सेब हुआ। लड़के ने कहा चार। अब तो शिक्षक झुंझला गया, कहा कि तुम पागल हो कि मैं पागल हूं। आखिर बताओ कि कैसे चार हुआ। उन्होंने कहा कि सर आप एक दिए और जो मेरे अगल बगल बैठे ये दोनों मेरे दोस्त भी एक एक सेब दिए तो हुए तीन, और मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल आते समय एक सेब और दिए थे तो मेरे पास हो गए चार, इसलिए मैं कहता हूं चार। सवाल करने वाले भी अच्छे होते हैं और जवाब देने वाले भी अच्छे होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चौधरी लोग भी होते हैं जो हमारे दिमाग का और उलझा देते हैं। एक दिन की बात है, भंडार घर की तरफ था तो हमारी एक साथी ने कहा कि साहब हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यहां आ गए हैं, कुछ पढ़ाते हैं तो कई चीज समझ नहीं आती है, आप लोग बोलते हैं तो कई बार कुछ बातें समझ भी नहीं आती है, लेकिन क्या करें लगे हैं। मैंने कहा कि दुनिया में जो लोग अनपढ़ लोग हैं या बहुत कम पढ़े लोग हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। दुनिया में जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या
नहीं के समान पढ़े लिखे होते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। आज जिस लाइट के नीचे हम लोग बैठे हैं, जिसके प्रकाश में हम सब इतना सुकून महसूस करते हैं, 1000 बार प्रयोग किया गया था, 10000 बार, 10000 बार जब थॉमस ने प्रैक्टिकल किया तब जाके लाइट का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10000 बार। दो भाई थे, साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे दोनों भाई। 6 महीना साइकिल रिपेयरिंग करते थे, पंचर घसते थे, साइकिल बनाते थे, देते थे, और ऐसा करते करते 6 महीने में जितना उसके पास कबाड़ इकट्ठा होता था ना, उस कबाड़ से एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल तक ऐसे किए और तब जाकर हवाई जहाज का आविष्कार किए। राइट ब्रदर्स, क्योंकि जिनके अंदर क्षमता होती है, जिनके अंदर लगन होती है, वही लोग इतिहास रचते हैं। जो लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, जो लोग ज्यादा चौधरी बन जाते हैं ना, वे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। कुआं का मेंढक कुएं में रहता है, अचानक उसे कोई बाहर से बताए कि तुम समुद्र में जाओ, तुम्हें अथाह पानी मिलेगा, वो नहीं समझ पाता है। 1 फीट कूदता है, कहता है इतना बड़ा, अरे ये क्या है, इससे बहुत बड़ा। फिर 2 फीट कूदता है, कहे इतना बड़ा, अरे ये कुछ भी नहीं है। फिर जोर से कूदता है, जाके दीवार में टकरा जाता है, सोचता है इससे भी बड़ा होगा, कुछ नहीं कर पाता है। दिमाग लगाते हैं लोग, और जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं उन लोगों की दशा क्या होती है, एक उदाहरण से समझे। एक बार सुना था कहीं पर, अदिति के 2 पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। पुराणों की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक भाई पृथ्वी को समुद्र में ले गया था, और उसके बाद भगवान ने अवतार लेकर के फिर समुद्र से बाहर निकाला था पृथ्वी को, और उसी के गुस्से के कारण हिरण्यकश्यप सोचा कि अब इस भगवान को ही खत्म कर देना चाहिए, और उसने बहुत तपस्या किया। उसकी मां ने कहा कि तुम तपस्या करो, तपस्या से सब कुछ हो जाएगा। तपस्या किया, करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन जिन ब्रह्मा प्रकट हो गए, कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि मैं एक वर चाहता हूं। कहा बोलो क्या बात है, जो चाहो मिल सकता है। कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं। कहा यह तो संभव नहीं है। उसने बुद्धि लगाया, कहा कि मुझे ऐसा बना दो कि ना मैं दिन में मर सकूं ना रात में मर सकूं। दिमाग है, बुद्धि है, लगाया। कहा कि ना दिन में मर सकूं ना रात में मर सकूं, ना इंसान से मर सकूं ना जानवर से मर सकूं, ना घर में मर सकूं ना घर के बाहर मर सकूं।
लगाया जितनी जितना दिमाग लगा सकता था, और कहा यह जाता है कि जब उसे मारा गया तो न दिन था न रात था, संध्या का समय था। जिसने मारा वो ना इंसान था ना जानवर था, दोनों के बीच का था। उसने कहा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। जिसने मारा वो अपने नाखून से मारा उसे। हम जितना भी दिमाग लगा ले, जितना अपना सोचे कि बुद्धि का उपयोग करके हम दुनिया पर राज कर लेंगे, कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता। महाभारत काल की घटना, कृष्ण सोए हुए थे युद्ध के पहले, अर्जुन पहुंचे, पहले दुर्योधन पहुंचे और चले गए कृष्ण के सिरहाने बैठ गए, इंतजार करने लगे कब उठेगा, कब उठेंगे भगवान। अर्जुन पहुंचे पैर के पास बैठे रहे, जैसे ही कृष्ण का नींद खुला तो सामने देखते हैं अर्जुन बैठा हुआ है। कहा कि अर्जुन क्या बात है, बताओ कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो। इतने में सिरहाने बैठा हुआ चौधरी बोलता है कि पहले मैं आया हूं। तब तिरछी नजर से देखे, अरे पूछ, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। कहा कि ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है। कहा कि एक तरफ मेरी पूरी सेना है, अक्षुणी सेना, और उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कितने सेना होते हैं एक अक्षुणी में, तो कितने हाथी, कितने रथ, कितने घोड़े, मोटी मोटी बात समझ लेते हैं। तो एक तरफ पूरी सेना है उसकी और एक तरफ मैं अकेले निहत्था, युद्ध भी नहीं करूंगा, कोई तीर नहीं चलाऊंगा, कोई बाण नहीं कुछ होऊंगा, अकेले निहत्था। उसने दिमाग लगाया, करोगे तो तुम कुछ नहीं, खाली बैठे रहोगे, उससे अच्छा है सेना ही ले लेता हूं, कम से कम कुछ तो करेंगे वो। सेना ले लिया, हुआ क्या अंत में, मारा गया। जहां भी बुद्धि लगाएंगे, जहां भी अपना ज्यादा होशियारी दिखाएंगे, वहां मरना ही होगा। और इसके विपरीत रामायण काल में देखिए, होना था दूसरे दिन रासतिलक, पूरे राजा बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन पहले ही दिन पता चला, शाम को पता चला कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका राजा होना ठीक नहीं है। उसमें भी दिमाग लगाए दो लोग, एक मंथरा ने दिमाग लगाई कि ये होना ठीक नहीं है, वो अपना पूरा उपक्रम की। दूसरे दिन हुआ क्या, दूसरे दिन 14 साल का वनवास। जब वनवास बताया गया तो राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसमें भी ये कि तुमको किसी के पास नहीं जाना है, किसी गांव में नहीं जाना है, किसी नगर में नहीं जाना है, किसी बस्ती में नहीं जाना है, और कोई राजशाही पोशाक नहीं पहनना है, साधु के वेश में, लकड़ी का एक चप्पल, वो भी कुछ दिन बाद भरत उठा लाए।
अंत में खाली पैर और सहर्ष स्वीकार कर लिए। इसलिए आज भगवान माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। जो दिमाग नहीं लगाया, जो सहर्ष स्वीकार कर लिया, वो भगवान बन गया। और जो दिमाग लगाए, अंत में रोते रोते पछताते पछताते मरे कि मैंने ऐसा क्यों किया कि 14 वर्ष के वनवास मांगा। हम जितना भी टैलेंट अपने पास रखते हैं, सारी बुद्धिमत्ता एक दिन निस्तेज हो जाती है। और सद्गुरु कबीर, समझ बूझ जड़ होए रहे होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। फिर उस संत का कोई पला नहीं पकड़ा सकता, फिर उसे कोई न माया डिगा सकती है, ना कोई मोह पकड़ सकता है, ना तो कोई बंधन उसे बांध सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस हम अपना बुद्धि का उपयोग उतना ही करें जितना हमारे लिए आवश्यक है, पढ़ने लिखने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आवश्यक है। और हम ज्यादा उसके लिए चाहना रखें कि नहीं मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ नहीं मिलेगा, अंत में रोते हुए पछताते हुए मरेंगे। जितने भी ख्वाहिश पे जीने वाले लोग हुए हैं, उनकी ख्वाहिशों का आज ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि ख्वाहिश करना बेकार है। बिन शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के तो फकीरी भी मिट्टी है, लेकिन हमारा शौक कितना हो, हमारा शौक उतना ही हो जितना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक हो, जितना हमारे लिए सदुपयोगी हो, जितना से दूसरों का नुकसान ना हो, जितना से दूसरों को दुख ना पहुंचे, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। हम अपने शौक को पूरा करने के लिए दूसरों से उसका धन मांग लेते हैं, हड़प लेते हैं। वो ना देने वाला हो तो भी उसके पास जाकर के कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें मुझे तुम्हारी ये चीज चाहिए ही चाहिए। फिर वहां दुख होता है, वहां दूसरों को कष्ट मिलेगा, दूसरों को लगेगा कि ये कैसा आदमी है यार। तो मैं कह रहा था कि हम अपने दिमाग का उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वैसे कहा तो ये जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का केवल 2% उपयोग कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 5%। लेकिन वह भी हमारे जीवन के कल्याण के लिए हो, हमारे जीवन के सुकून के लिए हो, हमारे जीवन के आत्यंतिक सुख के लिए हो। यह ना हो कि हम दिमाग बहुत ज्यादा लगाए और रात में हमें चैन की नींद ही ना आए, सुकून ही महसूस ना हो। तो ये शौक, ये दिमाग लगाना, ये बुद्धि दौड़ाना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है, कुछ करना ही नहीं है, यह मेरा कहने का मतलब नहीं है। हम सबको चाहिए
कि हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन के लिए क्या चीज आवश्यक है, क्या चीज अनावश्यक है, उसका निरीक्षण परीक्षण करें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का तरीका सीखें। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सीख करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो जन्म से सीखा सुखाया आता हो। हर इंसान को सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है, चाहे वो खाने पीने के ढंग और तरीके हों, चाहे जीवन जीने का शरीका। जीवन जीने का यदि तरीका भी हमें जानना है तो उसे भी हमें सीखना ही होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को जीने का तरीका देखें, समझें, सीखें और उसके अनुसार उसके बाद फिर अपने जीवन को इस ढंग से जिए कि हमें कभी दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए हम यहां लालायित हैं, बैठे हैं, उस चीज को हम पा सकें और उसी के लिए हम काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।